जी नादिन, आपने एक टिकट में दो के मजे तो सुने होंगे, लेकिन आज आपको एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी के अंदर आपको एक टिकट में दो मजे आप कैसे ले सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चीता और शेरू की यहाँ जोड़ी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा सबसे पहले इनकी खूबसूरती दिखाए। इनकी खूबसूरती जो है इसका कलर है, तो मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा चीता और टाइगर जो है इन दोनों की जोड़ी है और ये साथ साथ जो है एक ही जगह पे पले हैं, और हम इसके मालिक से भी बात करने की कोशिश करेंगे और आपको दिखाते हैं कि जो इसकी खूबसूरती है इसका कलर है, आप इसका कलर देखें। जी चीता और टाइगर की जो जोड़ी है इसमें एक टिकट में दो मजे आप कैसे ले सकते हैं, तो मैं बात करता हूँ इसके मालिक से। जी सर, कहाँ से आए आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना नाम बताएं? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम भाई, ये कहाँ से लाए हैं आप जानवर? जिला रहीम यार खान, तहसील खानपुर। इन दोनों का नाम क्या है? उसका नाम चीता है और उसका नाम टाइगर है। उसका नाम चीता है, उसका नाम टाइगर है। जी माशाल्लाह, कितने मन के हैं? तकरीबन 13-14 मन के हैं, 9-10 मन के। और ये बताएं इनको खिलाते क्या हैं आप? आटा और आटी, मकई, बस ऐसे खिलाते हैं। आपने इनको खुद जो है बड़ा किया, तैयार किया इनको? जी। कितने साल के थे जब इनको आपने तैयार किया, बड़ा किया? कितने टाइम में ये तैयार हुए? ये 2.5 साल में। 2.5 साल में? हाँ, 2-3 साल। अच्छा, ये बताएं अब अहम, सबसे अहम बात, के कितने का दे रहे हैं आप ये दोनों जानवर? 25 लाख। 25 लाख में आप ये दोनों जानवर दे देंगे? जी आपने देखा कि 25 लाख रुपए में जो है एक टिकट में आपको दो के मजे ऐसे मिलेंगे कि 25 लाख रुपए में आपको ये जोड़ी मिलेगी। पूरा जो है ओवरऑल हमने मंडी का विजिट किया तो 25 लाख का जो है, 25 से 26 लाख का एक जानवर मिल रहा है, लेकिन जो है 25 लाख में जो है ये भाई दोनों जानवर दे देंगे। जी चीता और टाइगर की आपको जोड़ी दिखाई मैंने, उसके जो है ग्राहक भी माशाल्लाह यहाँ आ गए और जो है कोशिश कर रहे हैं कि जो है इनसे खरीद सकें। तो सर क्या कह रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं? अच्छा भाई, ये तो मांग रहे हैं एक 12 लाख बोल रहे हैं और एक 20 लाख बोल रहे हैं, ये 30 लाख रुपये बोल रहे हैं। मैं इनको बोलता हूँ, देखें मंडी इनकी मर्जी से चढ़ती हुई, इनकी मर्जी से नीचे होती है। अब कोई ऐसा जानवर है, कोई दूध भी पीता है, कोई मक्खन देसी घी भी खाता है। अब हम मंडी के हिसाब से, मंडी बहुत चढ़ी हुई है, और ऐसा जानवर मेरे हिसाब से 5-5 लाख रुपए के हिसाब से 10 लाख रुपए में होना चाहिए। मैंने इनको बोला, देखो मैं, आप ये 20 लाख ये 12 लाख की बातें नहीं करो, आप 10 लाख रुपए लो, मुझे दे दो। अगर 11 लाख बोलते हो मुझे दे दो, लेकिन वो बोलते हैं मालिक नहीं है इस वक्त, मालिक आएगा रात को, फिर हम आपसे बात करेंगे। अगर ये हमें 10 लाख में देते हैं तो अभी मैं इनको टोकन कैश दे देता हूँ उठा के इनको गाड़ी। तो आइए बात करने की कोशिश करेंगे, क्या कह रहे हैं सर, क्या समझते हैं कि ये जो कह रहे हैं आप, कितने मांग रहे हैं? ये हमारा सेठ बैठा हुआ था, वो 30 लाख मांग रहा है। तो आप कितने बोल रहे हैं? मैं इनको बोल रहा हूँ कि आप 12 लाख रुपए ले लें दोनों के, 6-6 लाख रुपए बहुत बेस्ट है मंडी के हिसाब से, क्योंकि मंडी में ऐसे जानवर 6-6 लाख से ऊपर के नहीं है। अगर आप लोग इसको देखें, जितनी महंगाई है शहबाज शरीफ में महंगाई करी हुई है, लेकिन कसूर शहबाज शरीफ का नहीं है, कसूर हमारी आवाम का है, शऊर का है कि अगर डॉलर ऊपर जा रहा है हमारी पाकिस्तान नीचे आ रही है, लेकिन आप लोग भी इतना नजायज फायदा नहीं उठाओ कि इंसान कहाँ से कितनी मेहनत से कमा के लाता है। तो जब 6 लाख रुपये, अब ये आपको लगता है टाइगर के बच्चे आपको ये क्या, मतलब देसी घी ये क्या बड़ा दूध पीते हैं कि ये खाते हुए आम जो घास होती है? तो मैंने इनको बोला 12 लाख रुपए ले लो, मुझे जोड़ी दे दो। अगर अभी आपके सामने ओके करते हैं, मैं इनको अभी कैश ला के देता हूँ 12 लाख रुपए। जी भाई नहीं, 25 लाख से एक काम नहीं। अच्छा भाई, सौदा नहीं बना इनका, बाकी ये है इनको उम्मीद है कि कोई ना कोई आएगा और टाइगर और शेरू को ले जाएगा।